अस्सलाम वालेकुम। नावल जाना तुझे जब जाना बाय नीलम रियासत एपिसोड 15। आप रेड की तैयारी करें, सर्च वारंट तो क्या अरेस्ट वारंट भी निकलवाता हूँ। असद मुस्कुराते हुए सलूट मारकर कमरे से निकल गया। ताश्वीन ने अपना सेलफोन उठाया, पुरसोच नज़रों से देखते हुए एक नंबर पंच इन करके मिलाया। दूसरी जानिब से जल्द ही रब्ता हो गया। अस्सलाम वालेकुम, ताश्वीन अर्ज़ कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम साहबजादे, आज हमारी याद कैसे आ गई? तुमने सीना अकड़ा कर कहा था। सर, ऑफिस आवर्स के दौरान आपका नंबर मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब सुनाओ। वो धीरे से हंसा। सर, आपको शर्मिंदा करने का पूरा हक हासिल है। मैं बुलंदोबांग दावा करते हुए अपने मुल्क के सिस्टम को फरामोश कर गया था, या ये कह सकते हैं कि तब मुझे यहाँ के रस्म रिवाज से पूरी वाकफियत हासिल ना थी। ज़रा रोशनी तो डालो, आखिर किन रसूम व रिवाज की जानिब इशारा कर रहे हो? सर, आप बेहतर जानते हैं, गैर कानूनी तौर पर गरीब लोगों की इमलाक पे या हुकूमती अराजी पे कब्ज़ा करके अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन कहलवाना, जो सियासी पार्टी आपके काम ऊपर तक सिफारिशें करके आसानी से करवा दे, उसको इलेक्शन में माली मदद देना, आगे पीछे कहीं पैसा लगाना हो तो चुपचाप रकम भर देना। लोग पुलिस से शिकवे तो पाल लेते हैं, मगर ये नहीं देखते जो लोग काम कर रहे हैं उनको सुबह से शाम तक किन मुश्किलात का सामना रहता है, सिर्फ एक फ़र्ज चनासी की वजह से। वरना चुप करके खाना पूरी करें और घर को जाएं। एसपी साहब, हमने भी इसी सिस्टम का हिस्सा रहकर सालों से अपनी मां धरती की खिदमत की है। अगर बुराई फैलाने वाले अपने मकसद से बाज नहीं आते तो बुराई रोकने वाले क्यों बेहौसला हों? मैं तुम्हें मतलूबा इकदामात के लिए इजाज़त दिलवा देता हूँ, मगर ये जहन में रखना, भीड़ों के छत्ते में हाथ डाल रहे हो। खुशकिस्मती ये होगी अगर जवाब में वो सिर्फ तुम्हारी ट्रांसफ़र करवा दे, मगर तुम्हें जहनी तौर पर इससे भी बदतर सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा, यानी नौकरी जाने से लेकर जान जाने तक। सर, आपकी इस बात का जवाब मैं आपके ही अल्फाज में देता हूँ, अगर बुराई वाले अपने मिशन के पक्के हैं तो एक सच्चे इंसान को किस बात का डर, जो होगा देख लेंगे। सर, ये की ना जवानों वाली बात, आधे घंटे तक फ़ोन करके तुम्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, तुम्हें मैं कभी ना कहता। एस पी ताश्विन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर, उसने कॉल बंद करके के साथ इंटरकॉम उठाकर असद के ऑफिस कनेक्ट किया। हाँ जी असद साहब, तैयारी कहाँ तक पहुँची? मैं 10 मिनट के अंदर अंदर निकलना चाहता हूँ। प्लीज़ अपने आदमियों से कह दें असला बरदार ज़रूर हूँ। जो हुक्म सर। उसने रिसीवर वापस रखा, अपने डेस्क के दरवाजे से अपना पिस्टल निकाला, मैगजीन निकालकर गोलियों की तादाद चेक करी, फिर बंद करके खड़ा होकर हॉलिस्टर में लगाया। मजीद 2 भरे हुए मैगजीन उठाकर जेब में ठूंसे, सर पर टोपी रखी और अपनी छड़ी सीधे बाजू के नीचे रखता ऑफिस से निकल गया। तुम लोग चले जाओ, मैं यहीं घर पर खाना खाऊंगा, इसरार अहमद ने जुगन और लड़कों के साथ जाने से इनकार करते हुए कहा। अंकल, ऐसा तो नहीं चलेगा, आप यहाँ अकेले खाना खाएं और हम वहाँ इतने लोगों की मौजूदगी में बैठें, अगर जाएंगे तो हम सभी, वरना मैं भी नहीं जा रही। फारिस ने आगे बढ़कर अब्बू की व्हीलचेयर को पीछे से पकड़कर दरवाजे की जानिब धकेला। अब्बू, मैं इतने लजीज नाश्ते से हाथ नहीं धो सकता, लिहाजा शराफत दिखाते हुए हमारे साथ चलें। फारिस ने उनकी एक न चलने दी। 4 मिनट बाद वो लोग फूफी सुगरा के घर पर मौजूद थे। पप्पू ने जुगन के ऊपर फूल फेंके, गिनती की 6 पत्तियाँ। ये जहमत भी ना करते गरीब इंसान, हसीब के जताने पर पप्पू बत्तीसी दिखाते हुए बोला। हमारे कारखाने में वाहिद फूल खिला था, वही तोड़ कर लाया हूँ। पीछे से नरगिस ने पप्पू की पीठ पर एक धमाका लगाते हुए कहा। बदतमीज़, फूल ही दे देते, भाभी बालों में लगा लेती। बाजी को छोटी छोटियों ने नाश्ता समझकर खा जाना था, पौधे को कीड़ी लग गई है। पप्पू, तेरा सत्यानाश हो, मेरी बच्ची के ऊपर चोटियों वाला फूल फेंक दिया। पुप्पी सुगरे के अल्फाज पे जुगन को हैरत ने घेरा। कल तक वो जुगन की वजह से उदास हो गई थी, आज उसके लिए इतने प्यार भरे अंदाज में बात कर रही थी। जुगन ने दिल में सोचा, अंकल ठीक ही कहते थे, सुगरा पुप्पी दिल की वाकई अच्छी हैं। किस और उसकी भाभी ने बड़े से कमरे में चटाई बिछाकर उस पर दस्तरखान लगाया। जुगन भी सबके साथ फर्श पे ही बैठी, हालांकि पप्पू, नरगिस और उनकी भाभी ने पुरजोर इसरार किया कि कुर्सी पे बैठ जाए। आज सब नीचे बैठे हैं, भला मैं अकेली क्यों कुर्सी पे बैठूं? अजीब लगेगा, मैं यहीं ठीक हूँ। वो अब्बास के साथ बैठी हुई थी, एक तरफ अब्बास था, दूसरी जानब इसरार अहमद साहब की व्हीलचेयर। उसने पहले इसरार अहमद की मर्ज़ी मालूम करके उनको खाना निकाल कर दिया, फिर अब्बास को दिया। उसके बाद अपनी प्लेट में थोड़ा सा पाई का शोरबा निकाल कर नान के साथ खाने लगी। पुप्पी सुगरा कामी नज़र से इसकी एक एक हरकत नोट कर रही थी। वो बोल उठी, फरीदा बेटी, ज़रा जुगन की प्लेट मेरी तरफ करो, देखो ना प्लेट में 2 घूंट शोरबा निकाल कर उसी में डिबो डिबो कर नान खा रही है। अरे नहीं पप्पो, मैं सुबह सुबह इतना भारी खाना नहीं लेती, इसलिए पराठे और पूरी छोड़कर नान उठाए। लो और सुनो, आजकल की लड़कियां बस फैशन में मर रही हैं, कल को ये भरा पूरा घर होगा, बच्चे होंगे और मां ढांचा बनी घूम रही होगी। पप्पी ने बोलने के साथ साथ 2-4 बड़ी बड़ी बोटियां जुगन की प्लेट में डाली। तुम्हारी सेहत होगी तो जिम्मेदारियों पर पूरी उतरोगी ना,
तुम्हारा शोहर भी नहीं आया, उसके हिस्से का भी तुम ही खाओगे। रात भर जाग कर पाए बनाए हैं, मेरे ताशफीन को बहुत पसंद है, फूफी बोले जा रही थी। और जुगन फटी फटी नज़रों से अपने सामने पड़ी सालन की लब लब भरी प्लेट को देखे जा रही थी। परेशान नज़रों से अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। नरगिस और फारिस के लबों पर वाजह मुस्कुराहट थी। उसने नज़रों नज़रों में सवाल किया, क्या ये सब मैं खाऊंगी? जिंदा कैसे रहूंगी? नरगिस उसके पास टिक गई। लाएँ आपकी मदद करूं, क्या याद करेंगी कैसी हमदर्द नंद मिली है। वाह भाई, अल्लाह की शान, कल तक जिसके सौतन बनने के इम्कान थे आज नंद बनी बैठी है। सियाने सच कहते हैं, दुनिया वाकई गोलमाल है। फारिस की सरगोशी पर नरगिस ने खतरनाक तेवर दिखाते हुए उसकी खबर ले डाली। गुड्डी लूट इंसान, अपनी औकात में रहो। नंद भावच के दरमियान फापे कुटने ना बनो। तुम भी मेरी भाभी पर डोरे डालने बंद करो। मतलबी औरत? क्या बोला? मतलबी औरत? औरत किसको कहा है? किसी मिरासन के होने वाले शोहर? मुझे चैलेंज ना करो नरगिस खानम, कहीं ये ना हो मैं ही तुमसे शादी करवा लूँ। तुम्हारे मुंह में नीम के पत्तों का सूप। इतला के लिए अर्ज़ कर दूँ, कल रात मेरी मंगनी हो गई है। लो उसका क्या है, अभी तुम्हारी फुप्पी के सामने तुमसे इजहार मोहब्बत करूँ, फिर देखना कहाँ जाती है तुम्हारी मंगनी। हाय वे फारिसा, तू मुझ गरीबनी पर ये जुल्म क्यों करेगा? सालों हो गए अपनी सहेलियों की शादियों पर ये गाते, सबकी बरातें आई डोली तू भी लाना, दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना। और अब कहीं जाकर कोई सूरत नज़र आई है, इस पर भी तुम दुश्मनी कूट रहे हो? शुएब ने तासीफ भरी नज़रों से नरगिस को देखा और सर हिलाकर अफसोस का इजहार किया और बोला, तौबा है नरगिस आपा, तुम फारिस से भी ज़्यादा शादी को तरसी हुई हो। तुम लोग खा कम रहे हो, बोल ज़्यादा रहे हो। खामोशी से खाना खाओ या खुसर पुसर बात में कर लेना। बस जी, अपन तो चले अपनी दरसगाह को। फूफी जी क्या कमाल खाना बनाती हो, हमारी भाभी को अपनी शागिर्दी में ले लें और सारे खाने सिखा दें, खासकर ये बल वाले पराठे। भाभी को बनाने आ गए ना तो समझे मेरी लॉटरी निकल आनी है, तीनों वक्त पराठा ही खाऊंगा। फारिस हाथ साफ करता हुआ उठकर जूते पहनने लगा। हसीब ने भी उसकी पैरवी की, जबकि फारिस की बात पर नरगिस की फूफी ने नाक चुरा कर पूछा, इसरार भाई क्या बहू उमूरा खानादारी नहीं जानती है? बहन मेरी बेटी को घर आए अभी वक्त ही कितना हुआ है, मगर इतने कलील वक्त में ही घर में तब्दीलियां नज़र आ रही हैं। अभी यहाँ आने से पहले सफाई करके आ रही है। जुगन ने तशक्कुर भरी मुस्कुराहट से जाकर इसरार साहब को देखा, जो फारिस और हसीब की मेहनत का जहरा भी जुगन को दे रहे थे, क्योंकि सफाई इन दोनों ने की थी। जुगन ने बस तमाम कमरों का फर्नीचर झाड़ा और चीज़ें समेटी। नरगिस के फूफी दोबारा अपनी प्लेट की जाने मुतवज्जा हो गई। हम लोग निकल रहे हैं, अल्लाह हाफिज़। और भाभी, हमारी यूनिवर्सिटी के पास बड़ा ज़बरदस्त पिज़्ज़ा मिलता है, मैं लंच में आपके लिए लेकर आऊँगा। जितना मैंने खा लिया है समझो अगला पूरा हफ्ता खाने से दूर रहूँगी। भाभी, तुमने एक नान के साथ मर के दो बोटियाँ खाई हैं, तुम्हें मम्मी की शागिर्दी की अशद ज़रूरत है, फिर देखना प्लेटों की प्लेटें उड़ा जाया करेंगी। नरगिस की बात पर जुगन ने तसव्वुर में ही कानों को हाथ लगा लिया। खाने के बाद किश्वर भाभी चाय ले आई। जुगन उसको दवा देने की नीयत से फूफी लोगों से इजाज़त लेकर अब्बास के साथ घर जाने लगी। बहू रुको ज़रा, पहली दफ़ा हमारे घर आई हो, यूं ही खाली हाथ थोड़ी ही नहीं जाने दूंगी। अरे किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है फूफो, अभी परसों आपने मुझे नेक दिया है, बस वही बहुत है, बल्कि गिफ्ट ड्यू रहा, इतनी सुबह मैं आपके लिए कोई चीज़ नहीं ला सकी। लो देखो, झल्ली ना हो तो भला मेरा गिफ्ट किस हिसाब से निकलता है? तुम कल पप्पू और नरगिस को चीज़ें दिलवा कर भी अच्छा नहीं किया, तुम हमारी नई बहू हो, तुम्हारा हक नहीं बनता गिफ्ट देने का। इधर मेरे करीब आओ। जुगन अब्बास का हाथ छोड़कर उनके पास आई। पप्पी ने हज़ार हज़ार के कई नोट जुगन को हथेली पर रख दिए। ये क्या कर रही हैं? मैं ये रकम नहीं ले रही हूँ। तुम चुप करो, दुल्हने नहीं बोलती हैं, तुम्हारी शादी पर शरीक होने की सूरत में जो सलामी देनी थी वो अब दे रही हूँ, मैं तो तुम्हारा जोड़ा लाना चाहती थी। पर नरगिस ने कहा, अम्मी भाभी को पसंद इतनी अच्छी है, बस पैसे दे दो ताकि वो अपनी मर्ज़ी का लिबास ख़रीद लें। आप क्यों नरगिस की बातों में आ गए? मुझे आपकी पसंद का लिबास पहनकर खुशी होती। चलो अब तो ये रखो ना, अगली दफ़ा लिबास ख़रीद दूँगी। जी नहीं, आप मेहरबानी करें, मैं ये पैसे इसी शर्त पे कबूल करूँगी अगर इसके बाद आप ऐसा कोई तकल्लुफ़ नहीं करेंगे। पप्पी ने हैरान होकर जुगन की सैर चश्मी को देखा, अपना वादा दिया। जब जुगन सबको खुदा हाफिज़ बोलकर जा चुकी तब पप्पी इसरार साहब से मुखातिब हुई। लगता है मेरे ताशफीन का बख्त बहुत बुलंद है। इसरार साहब मुस्कुराए, दिल ही दिल में अपने बेटे और बहू की नज़र उतारी। आप ठीक कहती हैं। जुगन अपना फ़ोन लेकर बाहर सिटिंग हॉल में बैठ गई, यूट्यूब खोलकर देसी खानों की तरकीबें ढूंढना शुरू करीं। एक के बाद एक तरकीब देखती चली गई। बाहर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर चौंकी। इसी वक्त अब्बास कमरे से बरामद हुआ, जिसे देखते ही जुगन ने टोक दिया, अब्बास इतनी जल्दी क्यों उठ गए हो? कुछ देर और आराम कर लेते, क्या दर्द फिर से होने लग गया? आपा, चार घंटे तक सोता रहा हूँ और कितना आराम करूँ, अब भूख महसूस हो रही है। इसी दौरान इसरार अहमद अपनी ऑटो व्हीलचेयर के जरिए अंदर आ गए। मैं चौक की जानिब निकल गया था।
सोचा इतने दिनों बाद बाहर निकलूं तो क्यों ना जहर बा जमात पढ़ता चलूं। तशवीन साथ हो तो बड़ी आसानी से मस्जिद की सीढ़ियां बुर करवा देता है। आज अपने शेख साहब के बड़े बेटे ने मदद कर दी। तो क्या जहर का वक्त हो गया है? चुकन को हैरत उरूज पर थी। जी आपा, अजान की आवाज़ आई तो थी, क्या आपने नहीं सुनी? वो अफसोस में हेडफोन लगाई यूट्यूब से खाने की तरकीब नोट कर रही थी। अंकल मैंने तो सोचा था आज का लंच खुद बनाऊंगी। तशवीन को भी कह दिया था आज का लंच घर पर करे। हाय अल्लाह, वो तो आता ही होगा। अब मेरी कितनी सुबकी होगी ना। वो सुबह से ही जता रहा था कि मुझे अंडा तक उबालना नहीं आता। तेज तेज बोलते हुए उसने फ़ोन वहीं सोफे पर डाला और किचन का रुख किया। इसरार साहब ने अब्बास को देखा, अब्बास ने उनको, फिर वो मुस्कुराते हुए बोले बेटी शादी होकर आने वाली बच्चियां पहले दिन से ही खाने बनाने में नहीं लग जाती हैं। अभी तुम घर की रूटीन से भी वाकिफ नहीं हो, तुम फिक्र ना करो। फारिस का फ़ोन आया था, लंच के लिए पिज़्ज़ा ला रहा है जिसका जिक्र सुबह जाते हुए उसने किया था। अगर तशवीन को तो मेरा मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा। मैं ऐसा करती हूँ, जल्दी से उसके लिए हल्का फुल्का कुछ बना लेती हूँ। सुबह फ्रिज में करेले नज़र आए थे, उनके साथ तबा आजमाई कर लेती हूँ। बेटी जब से उसने सर्विस शुरू की है बस एक दफ़ा दोपहर का खाना घर पर खाया था, वो भी उस सूरत में कि वो दो दिन मुसलसल घर नहीं आया था। तीसरे दिन फरागत मिलते ही घर आ गया। कैसा भी होता है? जी बेटा जी, उसकी नौकरी इसी नौयत की है, दिन रात की कोई खबर नहीं होती। फिर मैं ऐसा करती हूँ हैदराबादी बिरयानी बना लेती हूँ, अगर वो दोपहर को ना आया तो शाम को खा लेगा। हैरत भरा सवाल अब्बास की तरफ से आया, क्या आपको ये बिरयानी बनानी आती है? तरकीब की पूरी 10 वीडियोस देखी हैं, मुझे यकीन है बना लूँगी। अगर ये तुम्हारा शौक है तो ऐसे ही सही, तुम किचन में देख लो, जो मसाला जात मौजूद नहीं है उनकी लिस्ट बना दो। दुकान वाले को फ़ोन कर दूँगा, वो 10 मिनट बाद घर पर दे जाएगा। अंकल मैं अभी जायज़ा लेकर बताती हूँ। अब्बास जाओ बहन की मदद करो, इसको क्या इलम कौन सी चीज़ किस खाने में रखी है। अब्बू के कहने पर अब्बास भी जुगन की पैरवे में किचन तक आ गया। अगले आधे घंटे में वो न सिर्फ सारे अज्जा की लिस्ट बना चुकी थी बल्कि अंकल से मकदार पूछकर उसके हिसाब से चावल भी भिगो दिए थे। वाह जी वाह, आज तो घर से क्या गज़ब की खुशबूएं उठ रही हैं, लगता है कोई ख़ास एहतमाम किया जा रहा है। फारिस ने घर में दाखिल होकर सलाम के बाद पहली बात ही यही की बल्कि सीधा गया ही किचन में। सामने का मंजर बड़ा दिलचस्प था। पसीने में शराबोर जुगन चूल्हे के सामने खड़ी गोश्त भून रही थी। आपको इस मुसीबत में किसने डाल दिया? फारिस ने उसकी हालत के पेश नज़र परेशानी का इजहार करते हुए पूछा। अब तुम भी शुरू हो जाओ, एक बात तुम सब जान लो, मैं ऐसी भी कोई नाजुक परी नहीं हूँ, एक ज़रा सी बिरयानी ही तो बना रही हूँ। पहले अंकल को तशवीश हो रही थी, इसके बाद हसीब मुझे किचन से निकलने पर जोर देता रहा है, और अब तुम आ गए हो। आपा ज़रा इधर से निकल कर अंदर आईने में अपना हुलिया देख कर आओ, आपका चेहरा लाल टमाटर हो रहा है। एक तो वैसे ही इतनी गर्मी है, ऊपर से बिजली बंद है, ऐसे में किचन की जाने मुँह करने को दिल नहीं करता। चलें शाबाश बाहर निकलें। फारिस मेरा काम तकरीबन ख़त्म हो गया, ऐसे दरमियान में छोड़कर बाहर नहीं जाऊँगी, आपा बीमार पड़ जाओगी। कहा ना मैं इतनी नाजुक नहीं हूँ, तुम लोग भी तो रोज़ इसी किचन में खाने बनाते हो। हमारी बात और है, हम लोग इसी माहौल के आदी हैं जबकि आपके लिए ये सब नया है। हॉल में बैठे हसीब ने वहीं से लुकमा लगाया। हाँ तो अगर तुम लोग मुझे काम ही नहीं करने दोगे तो मुझे कैसे आदत होगी? आपस जितना करो, खुदारा बाहर निकलो। जुगन ऐसे बन गई जैसे सुन ही नहीं रही। गोश भूनने के बाद आधा सालन एक बाउल में निकालकर चावलों की तहल बनाने लगी। फारिस ने जब उसको अपनी बात पर अड़े पाया तो नाचार आगे बढ़कर उसकी मदद करने लगा। सारे बिखरे बर्तन मसाले समेट दिए, आखिरकार बिरयानी को दम देकर वो किचन से निकल ही आई। हॉल में लगे क्लॉक पर नज़र डाली, 2:45 हो रहे थे। दिल को कुछ हुआ, लंच का वक्त तो कब का निकल गया, अब वो नहीं आएगा। कमरे में जाकर उदास दिल से अपने लिए दूसरा लिबास निकाला, मुँह हाथ धोकर लिबास बदला, फ्रेश होकर बाहर आई। चारों बाप बेटे हॉल में ही बैठे हुए थे, बातों के दौरान लाइट की वापसी का इंतज़ार किया जा रहा था। जैसे ही जुगन किचन के जाने बड़ी, फारिस ने फ़ौरन रुक दिया। मैं चूल्हा बंद कर आया हूँ, आपको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं और हसीब खाना लगाने लगे हैं, आप यहाँ बैठकर ये सत्तू पीकर बताएं कैसे बने हैं। फारिस ने ठंडे ठार महलूल से भरा गिलास जुगन को दिया, साथ ही बाजू से पकड़कर सोफे पर बिठा दिया। जुगन ने गिलास के अंदर झाँका, गहरे ब्राउन रंग का पानी था जिसमें छोटे छोटे रेत जैसे जर्रे तैर रहे थे। ये कैसी ड्रिंक है? बेटे इसको सत्तू कहते हैं, गर्मियों की शरबत है, भने हुए जो के आटे से बनता है, आप पीकर देखो पसंद आएगा। इसरार साहब के कहने पर जुगन ने डरते डरते एक छोटा सा घूंट भरा। हैरत अंगेज तौर पर उसका जायका पसंद आया था, कुछ प्याज भी लगी हुई थी, वो सारा गिलास खाली कर गई। लाइट आ गई थी, सारी गली में शोर की आवाज़ से पता चल गया था बिजली की लहर पास पड़ोस में भी दौड़ गई है, कहीं से कानों की आवाज़ उभरी थी। इसकी पानी वाली टंकी भरने के लिए पानी की मोटर चल रही थी। फारिस और शुभ खाना लगा रहे थे और जुगन की नज़र दरवाजे की तरफ थी, वहाँ से क्लॉक पे आती फ़ोन की बेल हुई। फारिस ने उठाया, दूसरी जानब से जो
जवाब मिलते ही उसकी शरारती नज़र जुगन की उदास शक्ल पर पड़ी। ये लें आपकी कॉल है। जुगन डर गई, सोचा कि क्या घर से कॉल आ गई है, मगर पूछा नहीं। मरे कदमों से आकर फारिस के हाथों से रिसीवर लेकर कान से लगाया। फारिस वहीं से मुड़ गया। हेलो, जुगन के हेलो के जवाब में दूसरी जानिब से सलामती की दुआ आई थी।